आने के लिए बच्चों को छुट्टी लेनी पड़ती है, काम से ये वो सब करना पड़ता है, तो वो बात हो नहीं पाती हर एक की। कोई आता है कोई नहीं आता है, उनका वो दिन निकल जाता है, और बात रहती है उनके पैसे की नहीं रहती है, लेकिन काम पे उनको जाना नहीं पड़ता है। तो मेरी उनको गुजारिश है कि अगले साल से आप रूटीन बनाएंगे तो कम से कम एक दिन में 2 राउंड या 3 राउंड कोई खेल के अगर निकल जाता है क्वार्टर के लिए सेमी के लिए तो वो अच्छा और बेहतर रहेगा हर एक के लिए। 8 का अगर पोल बनाएंगे और 2-2 करेंगे तो वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि रोज का वो खेलना नहीं हो रहा है, ऐसी बात है। दिलीप पाटिल, ये बताइए कि आप एक बहुत सीनियर खिलाड़ी, बहुत सालों से खेल रहे, आपकी कोई अच्छी इनिंग इस ग्राउंड पर, अंजुमन ट्रॉफी ये सीजन 7 है, अंजुमन ट्रॉफी में या इस ग्राउंड पर आपकी कोई अच्छी इनिंग है? मैं तो काफ़ी साल से यहाँ पे टाउन शहर में खेल रहा हूँ और मेरे की बहुत सारी इनिंग्स यहाँ पे अच्छी है। जो भी मैंने 2 इनिंग्स तो मेरे को मतलब जो आए तो जैसे अपने सिद्दीक सर भी बोलते हैं कि मैंने गोल्डन सिक्स जो लगाए थे अपने आरिफ को FCC के अगेंस्ट, और पहला वो अपना मैगी 11 के अगेंस्ट लगाए थे आरिफ को, जो ये एक मारा था, और जब 2 गोल में 11 की जरूरत थी तब मैंने 2 सिक्स मारे थे, वही मेरी बेस्ट इनिंग है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मेरे साथ है पप्पे खारिक। पप्पे भाई, आपने टॉस हारा है, ये बताइए अगर आप टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग कर दें। लेकिन इस वक्त आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, ये बताइए पहले बल्लेबाजी करते हुए आप अपनी टीम को कहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे? सुबह का सत्र है तो हम लोग 50% 50+ जाना पहुँचाएंगे। ये बताइए कि पूरी टीम आपकी इस वक्त कंप्लीट आई है? कल जो टीम थी वही टीम है, बिलाल खाली नहीं है। और ये अंजुमन ट्रॉफी सीजन 7 है, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? अच्छा आयोजन है, हम भी अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। देखिए पप्पे खारिक, आप एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, बिल्कुल बहुत दिनों से खेल रहे, बहुत सालों से खेल रहे, आपकी कोई अच्छी इनिंग इस ग्राउंड पर और अंजुमन ट्रॉफी सीजन 7 है इस टूर्नामेंट में कोई अच्छी इनिंग, कुछ अच्छी यादें आपकी है? नहीं, यादें तो कुछ नहीं, यादें रखना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। टॉस जीता इस वक्त समायरा स्पोर्ट्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। देखिए जो खिलाड़ी और बच्चे इस वक्त ग्राउंड में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप लोगों को बाहर आना है। समायरा स्पोर्ट्स, ग्राउंड पे जाना है, फील्ड सजानी है आपको। देखिए आज 5 मुकाबले है तो कमेटी ने ये फैसला लिया है कि जितने भी मैचेस रहेंगे सभी के सभी मैचेस 6-6 ओवर के रहेंगे। तो जब आपको 6 ओवर के मुकाबले खिलाए जा रहे हैं तो आपको समय में भी कॉपरेट करना होगा कमेटी को। समायरा स्पोर्ट्स, फील्ड की तरफ जाना है, महेंद्र स्पोर्ट्स आपको ओपनर बल्लेबाज भेजना है। समारा स्पोर्ट्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फील्ड सजाएं प्लीज। महिंद्रा के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लेयर स्टैंड में सारे प्लेयर्स बैठ जाएं। समारा के कैप्टन, तो
समारा स्पोर्ट्स फील्ड सजाने लास्ट ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, ये कमेटी का कहना है। महिंद्रा स्पोर्ट्स ओपनर बल्लेबाज भेजना है, हमारे एम्पायर इस वक्त निकल चुके हैं, एम्पायर रमीज रईस और एम्पायर फारूक बड्डी सर। समायरा स्पोर्ट आपको जल्द से जल्द फील्ड सजानी है और खेल की शुरुआत करनी है। भाई बोलते रहे। अंजुमन ट्रॉफी 2019 दूसरा क्वार्टर फाइनल इस वक्त शुरू होने जा रहा है समारा स्पोर्ट्स और महिंद्रा स्पोर्ट्स के बीच, जहां पर समारा स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और एक टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है चैलेंज स्पोर्ट्स। और तीसरा क्वार्टर फाइनल हम देखेंगे सोना देवी टेमगर और एमएससी नागांव के बीच और चौथा क्वार्टर फाइनल पॉइनर स्पोर्ट्स और आरडी 11 के बीच रहेगा। और महिंद्रा स्पोर्ट के सारे ही प्लेयर्स आपको प्लेयर्स पवेलियन में बैठना है, कोई भी कुर्सी के नीचे नहीं बैठेगा, ना ही मोबाइल फोन यूज करेगा, ना चैट्स करनी है, वरना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से 2 रनों का पेनल्टी। और दोनों ही टीम के कैप्टेंस अपने 12वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। तो इस वक्त रकीब अंसारी भी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे कमेंटेटर, और कुछ ही पल में वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्धू भाभी सर भी यहां पर आ जाएंगे। खेल की शुरुआत होने जा रही है, हमारे स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई महिंद्रा स्पोर्ट्स आपको ओपनर बल्लेबाज भेजना है और 12th मैन भी भेजना है दोनों टीमें। अंजुमन ट्रॉफी 2019 राकी बंसारी, इस टूर्नामेंट में हमने देखा जितने भी मैचेस हुए बिल्कुल सब के सब मैचेस कट टू कट रहे हैं। जी हाँ मजहर खान, बहुत ही बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले अब तक इस अंजुमन ट्रॉफी 2019 में। अनफॉरगेटेबल क्रिकेट देखने को मिला है, ना भूलने वाला क्रिकेट, बहुत ही अच्छी ट्रॉफी और बहुत ही अच्छे मैचेस देखने को मिले हमें। समायरा स्पोर्ट आपको जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजानी है, प्लीज़ आज हमें सारे ही मैचेस 6-6 ओवर के कराने हैं, तो इसलिए आप कॉपरेट करें प्लीज़, जल्द से जल्द फील्ड सजानी है। तो इस वक्त दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कल्पेश बबलू और उनका साथ देने के लिए हरी जोशी। एम्पायर्स आपको अब खेल की शुरुआत करानी है, हमारे स्पोर्ट्स फील्ड सजानी है, दोनों ओपनर बल्लेबाज हरी जोशी और कल्पेश बबलू। तो आज के दिन का पहला मुकाबला, बड़ा मुकाबला, खेल की शुरुआत होने जा रही है।
फील्ड सजानी है समारा स्पोर्ट्स, एम्पायर खेल की शुरुआत करानी है अब आपको समारा स्पोर्ट्स। तो स्ट्राइक पर इस वक्त है हरी जोशी और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे कल्पेश बबलू। पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज समारा की जानिब से। महेश तो पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज महेश और सामना करेंगे हरी जोशी। समारा स्पोर्ट्स प्लीज अब आपको जल्द से जल्द फील्ड सजानी है और खेल की शुरुआत करनी है, काफी ज्यादा समय हो चुका है। तो अब जाकर पूरी कंप्लीट होती हुई समारा स्पोर्ट्स तो पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज महेंद्र कामनकर। तंजुमन ट्रॉफी 2019 दूसरा क्वार्टर फाइनल महेंद्र स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी करती हुई। पहली गेंद वहां पर फुलर लेंथ की गेंद थी, लंबा हिट लगाना चाहते थे हरी जोशी, अच्छी गेंद रही, गुड लेंथ पर रहा था इस गेंद को सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तो पहली गेंद जो रही थी डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए महेंद्र कामनकर, और इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, कैच ड्रॉप होता हुआ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, देखना अब जाकर डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अब उसी बीच 3 रन पूरे किए वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने, तो इस 3 रन की मदद से स्कोर 3 रन पर पहुंचता हुआ महेश और अभी वहां पर मौजूद थे। एक ही हाथ से इस कैच को पकड़ने गए थे खिलाड़ी और कैच छूट गया, काफी ज्यादा निराश वहां पर महेंद्र कामनकर, और थ्रम्बल भी किया था जहां 2 रन होने चाहिए थे वहां 3 दे बैठे, काफी निराश गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी करते हुए महेंद्र, और इस बार फुल टॉस गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे, एक बार फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ लॉन्ग ऑफ की जानिब गेंद आती हुई 4 रन के लिए। गेंद तो अच्छी नहीं थी यहाँ पर, फुल टॉस गेंद थी, शॉट भी नहीं अच्छा लगा था, लेकिन फील्डिंग भी अच्छी नहीं हुई,
इस गेंद पर कुछ भी नहीं अच्छा हुआ। जी देखिए, मिड ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी लखन ने मिसफील्ड की और उसका कारण था कि अब गेंद बाहर जा चुकी थी 4 रन के लिए। इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे, शॉर्ट अंपुल लगाना चाहते थे वहां पर कल्पेश बबलू। अच्छी गेंद रही महेंद्र कामनकर की, गेंदबाजी अच्छी हो रही, लेकिन अब जो समायरा के खिलाड़ी उनको भी गेंदबाज का साथ देना होगा। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, वहां पर एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल दिया था वहां पर अधूरे मन से। इस 1 रन की मदद से स्कोर 8 रन पर पहुंचता हुआ पहले ओवर में महेंद्र स्पोर्ट्स टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, शॉर्ट अंपुल लगाया था वहां पर हरि जोशी ने और गेंद वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त महेंद्र की जानिब से होती हुई। घूम कर खेला था इशू। थैंक यू। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 12 रन। ये ओवर जो रहा राकिब अंसारी, ये महेंद्र स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, लेकिन महेंद्र कामनकर के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उन्होंने तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिला। अगर फील्डर्स का साथ मिलता तो इस ओवर में 1 या 2 विकेट जरूर आते। काफी निराशाजनक रही थी फील्ड इस ओवर में। अब देखना है दूर वाले छोर से किसे गेंदबाजी के लिए लगाते हैं समायरा स्पोर्ट के कैप्टन। दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज साजन। देखिए ये बड़ा मुकाबला क्वार्टर फाइनल है, दोनों टीमें बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से दोनों टीमों को ये देखना होगा कि जो उनका फील्डिंग का स्तर है वो किस प्रकार का रहता है। सारे ही मुकाबले 6 ओवर्स के खेले जाएंगे। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाजी के लिए आए हैं साजन। पहली गेंद वहां पर बहुत बढ़िया विकेटों के ऊपर से निकल गई थी ये गेंद, अच्छी गेंद रही साजन की। ऑन साइड में खींचना चाहते थे इस गेंद को कल्पेश बबलू। बहुत ही अच्छी गेंद गेंदबाज द्वारा, कोई भी मौका नहीं था बड़ा स्ट्रोक खेलने का बल्लेबाज के पास, पूरी तरह से बीट हुए डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए साजन। और इस बार देखना है टॉप एज लगाए और विकेट कीपर हरेश ठाकरे से कैच ड्रॉप होता हुआ। हरेश ठाकरे जो कि उनके नाम है कीर्तिमान भी है विकेट कीपिंग करते हुए और बहुत बढ़िया विकेट कीपर भी, लेकिन इस वक्त कैच ड्रॉप होता हुआ। और कहीं ना कहीं राकिब अंसारी हम ये देख रहे हैं कि पहले ओवर में भी देखे कि जो समायरा के फील्डर उन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किए और अभी ये दूसरे ओवर में भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुबह का सत्र है, अभी तक आंख नहीं खुली है शायद। हो सकता है यही कारण हो। जब इस तरह की फील्ड होती है तो गेंदबाज काफी निराश होता है। और इस बार स्विच हिट खेलना चाहते थे वहां पर, बहुत बढ़िया गेंद रही साजन की, बहुत ही खूबसूरत गेंद साजन की। इन कटर किया था, थोड़ा सा अंदर की जानिब निकाला था इस बार गेंद को, पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज, स्विच हिट करना चाहते थे, कोई भी संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, डॉट डिलीवरी।
14 रन दूसरे ओवर का खेल जारी बिना किसी नुकसान के महिंद्रा स्पोर्ट। और इस बार देखना छोड़ दिया था इस गेंद को, व्हाइट का इशारा आता वहां से एम्पायर रमीज रईस का। काफी ज्यादा ऑफ स्टम के बाहर रखा था गेंदबाज ने, यही कारण रहा था कि एम्पायर ने उसे व्हाइट घोषित किया। स्कोर 15 रन पर पहुंचता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर। साजन इस वक्त बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे, अब तक कुल मिलाकर 3 रन खर्च किए उन्होंने जबकि पहले ओवर में 12 रन आए थे। और इस बार अंदरूनी किनारा लगा था वहां पर, बहुत बढ़िया गेंद एक बार फिर से होती हुई साजन की, पढ़ नहीं पा रहे बल्लेबाज साजन को और सटीक लेंथ और लेंथ पर इस वक्त गेंदबाजी कर रहे। जो पावर प्ले चल रहा है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे महेंद्र के बल्लेबाज। इस बार नो बॉल का इशारा आया वहां से एम्पायर रमीज रईस का, एक रन बढ़ेगा एक्स्ट्रा के रूप में। इस एक रन की मदद से स्कोर 16 रन पर। बीमर गेंद थी, इसका कोई भी फायदा नहीं उठा पाए। अगर हम बल्लेबाजों को भी देखें मजहर खान, तो खराब गेंदों पर भी वो बड़े स्ट्रोक नहीं लगा पा रहे हैं। अगर फील्ड अच्छी होती अब तक समायरा की तो 2 से 3 झटके लग चुके होते। बड़े शॉट्स खेलने में सफल नहीं हो पा रहे महिंद्रा स्पोर्ट के कैप्टन। इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अब तक साजन, लेकिन एक वाइड और एक बीमर दे बैठे। और अब फ्री हिट का इशारा, और इस बार शॉर्ट गेंद थी, व्हाइट का इशारा आया वहां से एम्पायर रमीज रईस का। और 1/4 दी ओवर का भी इशारा देते हुए हमारे एम्पायर, काफी ज्यादा उछालता इस गेंद में, यही कारण रहा था कि व्हाइट घोषित किया। तो फ्री हिट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ये कहना है एम्पायर रमीज रईस का। फुल टॉस गेंद थी, उसको मिस कर बैठे हैं। देखना है सही तरीके से एलिवेशन नहीं बनाता डिप मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर और उसी बीच एक रन आया। फ्री हिट था यहां पर और फुल टॉस गेंद भी मिली थी राकिब, लेकिन बल्लेबाज ने उसका फायदा नहीं उठाया। स्कोर इस वक्त 18 रन पर पहुंचता हुआ। मैंने पहले ही कहा अभी मजहर खान के कुछ खराब गेंदे भी मिली है महिंद्रा स्पोर्ट के बल्लेबाजों को, लेकिन वो उस पर बड़ा प्रहार करने में नाकाम रहे हैं। दिल अपना तेरे लिए लाए, सोच सोच दुनिया में क्यों आए।
लॉन्गन पे खड़े हुए हरीश ठाकरे को गेंद दिखी नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला था इस गेंद पर, पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी, फोर्स किया था और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और इस बार स्विच और ये भी जाएंगी बाहर 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अब होती हुई इस चौके की मदद से स्कोर 32 रन पर। और इस बार बहुत बढ़िया तरीके से स्क्वायर कट कर दिया है, वहां पर देखना है महेंद्र कामनकर मौजूद है और मिसफील्ड होती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। ये क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं समारे के फील्डर। काफ़ी महंगा पड़ सकता है हमारे स्पोर्ट को मिसफील्ड करना, और अब ये उन्हें महसूस भी हो रहा होगा यहाँ पर। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्लांस कर दिया उसे, शॉट फाइनल की जानिब खिलाड़ी मौजूद और इसी बीच 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर टीम से आगे खिसकता हुआ 37 रन पर। 3 ओवर की समाप्ति पर 37 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर महेंद्र स्पोर्ट्स। एक बहुत बढ़िया शुरुआत इस वक्त महेंद्र स्पोर्ट्स को दोनों बल्लेबाजों ने दी। और जब टॉस हुआ था राकिब, तो दिलीप पाटिल का ये कहना था कि उन्होंने टॉस जीता और बोले सुबह का सत्र है, फ़ायदा उठाना चाहें। देखिए गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन आज फील्डिंग उस प्रकार की नहीं हुई है। 3 बाउंड्री गई मिस फील्ड के बाद, और उसके बाद जो सिक्सर गया था हरीश ठाकरे को जो नहीं दिखा, और उसके बाद 3 कैचेस भी ड्रॉप हुए। काफ़ी खराब फील्ड देखने को मिली हमें समायरा स्पोर्ट के खिलाड़ियों से। अगर फील्ड अच्छी की होती उन्होंने तो अभी कुछ परिणाम कुछ और होता। और देखिए एक चीज़ मैं और कहूँगा कि कल धनेश के कैप्टन भावेश पवार ने भी टॉस जीता था और उन्होंने भी फील्डिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन उनके जो खिलाड़ी थे उन्होंने भी इसी तरह की फील्डिंग की थी। फील्ड सजानी है समारा स्पोर्ट्स, तो जो पहला मुकाबला रहता है ना कहीं उस तरह की बॉडी की खिलाड़ियों की काम नहीं करती है। भले ही कैप्टन टॉस जीत कर फील्डिंग लेते हैं, लेकिन फील्डिंग उस प्रकार की नहीं हो पाती है। कल भी हमने देखा था धनेश के जो खिलाड़ी थे उन्होंने काफ़ी मिसफील्ड की थी, और उसका फ़ायदा उठाया था अल्ताफ शेख ने और नाना स्पोर्ट्स ने, और वही कारण था कि धनेश इस टूर्नामेंट में पहले मुकाबले में बाहर हो गई थी। इस बार बैठक स्ट्रोक खेला है वहां पर कल्पेश बबलू ने, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जाना चाहते थे हरी जोशी, लेकिन मना किया, 1 रन सही सहमत रहना पड़ेगा।
38 रन पर स्कोर। साजन को इस वक्त कंटिन्यू रखा है, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए इस वक्त साजन। पहले ओवर में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 6 रन खर्च किए थे। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर किया था और वहां पर एक बार फिर से बाल बाल बजते हुए हरी जोशी दूसरे रन के लिए पलट चुकी है। और ये देखिए अब तीसरा रन भी पूरा होता हुआ, बहुत ही लेजी फील्डिंग होती हुई। और अब ये महेंद्र के बल्लेबाज भी समझ चुके हैं कि जो समारा स्पोर्ट्स है उनके जो खिलाड़ी है वो उस प्रकार की फील्डिंग नहीं कर पा रहे और उसका फायदा भी उठा रहे। जहां एक रन भी नहीं था वहां पर 3 रन आ गए। और इस बार बहुत बढ़िया तरीके से उसको पुल कर दिया, देखना वहां पर डीप में मौजूद है महेंद्र कामनकर। एक बार फिर से वहां पर थ्रम्बल हुआ था और उसका फायदा उठाए दोनों बल्लेबाज ने। 2 रन आए इस गेंद पर, इस 2 रन की मदद से स्कोर 43 रन पर। इस बार बहुत बढ़िया गेंद लेकिन विकेट कीपर से इस बार चूक हो गई। 1 रन आएगा इस गेंद पर बाई की शक्ल में। और इस बार बहुत बढ़िया तरीके से खेल दिया है हरी जोशी ने। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई एक्स्ट्रा कवर की जानी। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त हरी जोशी के बल्ले से आता हुआ। और इस बार अपने आप को सफल किया था वहां पर और देखना है महेंद्र कामनकर वहां पर मौजूद है। और अब जाकर हरी जोशी की पारी समाप्त होती हुई, पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त महेंद्र स्पोर्ट्स का। आइए दोस्तों, मैं आपको अंजुमन स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कुछ मालूमात देता चलूं। अंजुमन वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने 1980 में अपनी बुनियाद रखी, एक कमेटी बनाई जो छोटे मोटे कामों को अंजाम देते हुए 1998 में बुक्स तकसीम करना, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए एक काम शुरू किया जो 200 से 300 फॉर्म से शुरुआत हुई और हर साल इसमें तरक्की और कामयाबी मिली। यही सिलसिला बढ़ते हुए 20 तारीख 10वां महीना 2016 में 1500 तक तालिबे इल्मों को तकसीम किया गया जो बखूबी कामयाबी के साथ अंजाम पाया। और उम्मीद है कि आइंदा भी यही सिलसिला तरक्की और कामयाबी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो हमसे जुड़ने जा रहे इस वक्त वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर, वेलकम सर। दोनों टीम के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। एमएससी नायगांव के कैप्टन और सोना देवी टेमकर के कैप्टन। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर 48 रन। पहली गेंद वहां पर खेलना कहीं और चाह रहे थे लेकिन गेंद कहीं और जाती हुई, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि
अधूरे मन से खेला था सचिन गायकवाड़ ने इस गेंद को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अंजुमन ट्रॉफी 2019 के में आप सभी का इस्तकबाल है शहबाज शेख और अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से। पांचवा ओवर चल रहा है, टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती भी महिंद्रा स्पोर्ट। कल्पेश ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, इस मरतबा खींच के मारा है गेंद को आउटफील्ड में। दो खिलाड़ी गेंद पे झपटते हुए, जब तक के गेंद को उठाते फील्डर कल्पेश बबलू रन आउट होते हुए वहां पर, लेकिन बहुत बढ़िया बारी खेली कल्पेश बबलू ने। आउट होने से पहले 30 रन बनाए अपने टीम के लिए। एक्सलेंट बैटिंग, अमेजिंग बैटिंग फ्रॉम कल्पेश बबलू। तो इस वक्त दूसरा विकेट गिरता हुआ महेंद्र स्पोर्ट्स का कल्पेश बबलू के रूप में। पहले आउट हुए थे हरी जोशी, उन्होंने 15 रन बनाकर आउट हुए, और अब कल्पेश बबलू। अगले बल्लेबाज बाला तरे। आज अगर हम देखें तो महिंद्रा स्पोर्ट भी आधी अधूरी नजर आ रही है। बिलाल शेख कल देर रात हन्नान प्रीमियर लीग में खेल रहे थे। इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद है, देखना है क्या कुछ हुआ है। गेंद विकेटों के पीछे सरक रही है, फाइन लेग पे आप जाकर ये देखिए क्या कुछ हुआ है वहां पे, अंपायर्स का क्या इशारा आता है। बाई के वाइट के रन आए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 54 रन। बढ़िया गेंद, पैर नहीं चले थे, जगह से ही खेले थे बैट्समैन। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा आसमान में तान दिया है गेंद को, क्या गेंद मैदान के बाहर, यस 6 रन। बहुत जल्दी पढ़ लिया था उस धीमी गेंद को महेंद्र कामनकर की, और बाला तरे ने उसे भेज दिया बाउंड्री की सैर करने के लिए सुबह सुबह। और एक मरतबा फिर से गेंद को खेल दिया, एक और 6 रन। क्या जबरदस्त फॉर्म में है अभी सर बाला तरे, बेहतरीन स्ट्रोक, दो पे दो लगा दिया यहाँ पर बाला तरे ने। बाला तरे इस मैदान पे हमेशा खड़े उतरे हैं, क्योंकि आपने देखा एमजे ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट है। इस अंजुमन ट्रॉफी में भी वो अनफॉर्गेटेबल क्रिकेट खेल रहे हैं। ये 100वां छक्का लगा, इससे साबित होता है कि अंजुमन में बल्लेबाजों की खैर नहीं रही है। गिरते भरते 125 लगाए महेंद्र कामनकर। अटैक भी किस पे किया जा रहा है, मजबूत करी पे। हार्ड थिंग इज ब्रोकन अर्लियर। बढ़िया वापसी, अपील और आउट। टो क्रशर, टो क्रशर गेंद थी, बिल्कुल विकेटों के सामने थे, हवा में स्विंग भी थी और आउट हो गए बाला तरे। यही कारण है कि भारतीय फिल्मों में, चाहे आप पुराने दौर में चले जाइए, उर्दू का बहुत बड़ा रोल रहा है।
शमशीरे तकदीरे फतेह मात। ठीक है, अभी तो वैसे गाने नहीं बनते पहले जैसे उफ युम्मा और जो गाने बना करते थे। स्कोर है इस वक्त 66 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। सचिन गायकॉट वहां पे अभी भी मौजूद है। नए बैट्समैन गैसुद्दीन शेख लेट आउट आ रहे हैं। दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना, एमएससी नायगा और सोना देवी टेमगर। एमएससी नायगा और सोना देवी टेमगर के कैप्टन आप दोनों को टॉस बॉक्स में बैठना है। गेंदबाजी में लगाया गया है महेश पाटिल को। शायन अंसारी ने बैक टू बैक दूसरा टूर्नामेंट है यहां पे 100% अपना वक्त दिया है। टीम भी अच्छा खेली थी आरके। नूरुलाइन शेख साहब हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। मैश अजहर खान का सुना है कि सॉन्ग बहुत पसंद आए, लेकिन अजहर खान आपको पता चाहिए कि तेरी आरजू करे वो जिसे तजर्बा नहीं है, मैं यकीन कैसे कर लूं कि तू बेवफा नहीं है। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए महेश पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। गैसुद्दीन शेख को बन गए एपी डिविलियर्स। स्लॉग स्वीप मैदान के बाहर 6 रन। हमें तुमसे प्यार कितना, क्या भूख लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या भूख लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कभी कभी ऐसा होता है आप लेट आते हैं, देर से आए दुरुस्त आए, नींद क्या खुल गई उनको, गेंद लेग स्टंप पे मिल गई। महेश पाटिल गैसुद्दीन को इस मरतबा मोड़ दिया, कैच छूटा हुआ वहां पे शॉर्ट फाइन लेग पर, ऊपर लगी थी बल्ले के, खेलना चाहते थे इनफील्ड के ऊपर से। एक रन स्कोर में और बढ़ता हुआ 73 रन, एक अच्छा टोटल हम कहेंगे। हालांकि कल गोल्डन बाउंड्री से मुकाबला जीता था समायरा ने, एमएससी ने गोल्डन सिक्स से जीता था। अभी तक 4 कैचेस छोड़े हैं समायरा ने, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेलें। और मिस फील्ड कितना हुआ है, साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि लगभग 15 से 18 रन जब आप अधिक दे देंगे तो मैच का नतीजा यही रहेगा। कल धनेश कुक से सुबह में इसी तरह की फील्डिंग करके डूब गई थी। महेश पाटिल खींच के मारने की कोशिश, बढ़िया गेंद, बल्ले के
नीचे से चली गई विकेट कीपर के पास, अनुमान नहीं लगा पाए थे बाउंस का। अंपायर रमीज रईस और अंपायर फारूक बर्डी। टेनिस क्रिकेट में बहुत कम ऐसे अंपायर रहते हैं जो खूबसूरत नजर आते हैं। इस मर्तबा गेंद को आसमान में खेल दिया है और ये देखिए पांचवा कैच छूटा है। अभी को थोड़ी पता था कि कैच भी छोड़ेंगे और उनको गेंद फील्ड करने कहेंगे, होता है, क्रिकेट है। एक से बढ़कर एक अंपायर्स नजर आते हैं टेनिस दुनिया में। महेश पाटिल, अभी बाली ट्रॉफी बाकी, बाली ट्रॉफी में तो कलरफुल ड्रेसेस भी रहेंगे। और इस बार बहुत बढ़िया तरीके से खेल लिया वहां पर गैसुद्दीन ने, एक रन पूरा किया और अब देखना है दूसरे के लिए पलट चुके हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र स्पोर्ट्स ने कुल रन की है 78 रन। एमएससी नागांव के कैप्टन और सोना देवी टेमगर के कैप्टन, टॉस के लिए आना है आपको टॉस बॉक्स में। सेवेंटी नाइन का लक्ष्य रखा। आइए दोस्तों एक बड़े मुकाबले की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। खेलने वाली टीमें दिनेश चौधरी फैम टीम, सोना देवी टेमगर और एमएससी नायगांव इमरान अंसारी फैम टीम। दोनों कैप्टन कुमार और मैं नूरुलाइन शेख साहब, आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। हेलो, आइए दोस्तों दोनों कैप्टन को ऑल द बेस्ट। क्वार्टर फाइनल मुकाबला हसनैन एन कुमार और हमसे जुड़ते हुए नूरुलाइन शेख साहब। आइए, छह ओवर का मुकाबला है, दो ओवर मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा। समय में आप कॉपरेट करें तो आपको छह ओवर के मुकाबले खेलने मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला करना है। कुमार, कोई भी कैप्टन के लिए अच्छा मौका रहता है कि उसकी टीम क्वार्टर में पहुंची, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, टीम ने जो अंजुमन ट्रॉफी में अभी तक गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग की है, एज अ कैप्टन आप कितना सेटिस्फाई हैं? हम तो बॉलिंग से तो सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन थोड़ी बैटिंग पिछले मैच में थोड़ी हमारी थोड़ी गड़बड़ाई गई है। मतलब जहाँ चार ओवर में खत्म होना चाहिए था वो पाँच ओवर तक लेके गई है, लेकिन इस मैच में वैसा नहीं होगा करके सोचता हूँ। लेकिन आज छह ओवर में सामने वालों को कहां तक रोकना चाहेंगे? कम से कम रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे हम। क्या कुमार, पिछला जो प्ले 11 था उसमें कोई चेंजेस हैं? एक आध चेंजेस हो सकता है शायद। ये बताइए कि इस अहम मुकाबले में मैंडेटरी पावर प्ले आपके लिए, उनके लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या लगता है कि वो कौन से गेंदबाज हैं जिन पे कुमार डिपेंड करते हैं? स्वयं गेंदबाजी करेंगे और साथ में कौन रहेंगे या स्वयं नहीं करेंगे? मैं और राजू बोगा दोनों करेंगे।
तो उम्मीद करें कि बाउंडर ऑफ भिवंडी आज 100% देने जा रहे हैं जी हाँ, और ये उम्मीद हम करें कि आपकी नजर सेमीफाइनल की तरफ है जी हाँ। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ हसने ने कल के गोल्डन सिक्स की चर्चा सारे शहर में थी, लेकिन इस गोल्डन शो के बारे में अभी तक आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह अरेंजमेंट बहुत भारी अंजुमन का, मैं चाहता हूँ हर साल अंजुमन ऐसे अरेंजमेंट करते रहो और हम लोग को मौका मिलते रहे। देखिए अंजुमन ट्रॉफी की दो चीज़ें सबसे अनफॉरगेटेबल है, ना भूलने वाले, कैचेस और मैचेस। मैचेस काफ़ी क्लोज में, कैचेस बहुत अच्छे पकड़े गए। ये बताइए कि 6 ओवर में सामने सोना देवी टेमगर है जो 1 कप की विजेता भी है, एक लक्ष्य आपके दिमाग में होगा जहाँ रखकर आप गेंदबाजी में उनको रोके? कम से कम इंशाल्लाह 60+ की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि सोना देवी एक बड़ी टीम है, उसके सामने बड़ा टारगेट रखने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कल फिरोज सस्ते में आउट हुए, मेराज ने आपके बल्लेबाजी की मेराज को संभाला, क्या लगता है टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे बल्लेबाजों को? मैं टीम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि फिरोज भाई, अनस, ये सब आगे बढ़ के अपना परफॉर्मेंस दे, इंशाल्लाह जीत होगी। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि पहली मर्तबा सिटी क्रिकेट के 11वें इवेंट में आपकी टीम सेमीफाइनल खेलने जा रही? जरूर और इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज सोना देवी वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू द बॉल फर्स्ट, इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। से सरफराज कुंगले और अबूतला कुंगले ने महिंद्रा स्पोर्ट और गैसुद्दीन को ऑल द बेस्ट कहा है, आप दोनों का इस्तकबाल है। हमारे बीच जुड़ते हुए बहुत ही मशहूर अंपायर मैन डन आउट स्टैंडिंग जॉब इन टेनिस क्रिकेट, क्योंकि सिल्वर आर्म, गोल्डन आर्म, जितने भी मैंने नाम दिए सबको क्लियर आर्म करने का जो काम किया फैज रईस ने, उनका इस्तकबाल है। So back to cricket now, could start from Gasuddin Sheikh. First ball was a dot to Sumit. Sumit yesterday hit a golden boundary. Here goes Gasuddin Sheikh. Slow one put away on the onside in the gap, long chase for Mangesh, but can't stop and ball is travelling all the way to the whitish mid wicket boundary for 4. Put away on the onside, that was a loosener, change of pace and put away very nicely left of the fielder for 4. Gasuddin Sheikh. But this time try to switch it, swinging yorker. Both batsmen is survived there. Chance of run out and leg by signal from umpire Birdie.
interesting to see in replay. Look at that. Yes, right decision, fine decision. Experienced campaigner Farooq Bhadi, ball is clearly missed leg stump. No Baghdadi, all the best for Ghazuddin Shaikh. This time played beautifully over the infield, couple of bounces, crossed the boundary for four. Score was up to 9 for no wicket. This is the beautiful song from Kishore Kumar Padosan. This time nicely played, cracks his off his back foot, fielder find the ball at wide off mid-on. Enough time, batsman gets one. Score was up to 10 for no wicket. Ghazuddin Shaikh. Lot of variation, but this is the positive reply. This time helicopter stroke, chance of caught and bowled. Half and tough chance dropped by Ghazuddin on his follow through, and that marks end of the first over. Very firmly driven. Look at that helicopter stroke. Ghazuddin put down. That marks end of the first over. 10 for no wicket, chasing a target of 79. एक ओवर 10 रन, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी की है. 10 के 10 विकेट शेष है यहां पर समय रहा स्पोर्ट्स के.
इन द वैकेंट एरिया। ओ हो एक्सलेंट सेव फ्रॉम मंगेश इज सेविंग, यस इज आउट, व्हाट अ एक्सलेंट फील्डिंग फ्रॉम मंगेश इन डीप एंड अ नाइस रिटर्न। Mazhar Khan, it has been a wonderful piece of fielding from Mangesh, saving 3 runs and 4 runs, and he also gets the wicket of Haresh Thakre who is run out. जी हाँ बाबे सर, बहुत बढ़िया फील्डिंग रही थी वहाँ पर मंगेश की, अपनी टीम के लिए वहाँ पे उन्होंने 4 रन भी बनाए और उसके बाद एक विकेट भी मिला है। न्यू बैट्समैन इज लखन, my name is Lakhan, man from Sawat, Tausif Patel, Zain Patel and Arsh Kungle from Mapoli, all the best for Mahindra Sport. In there we watch Kaleem who turned from Haji Somerset Stand and this time chipped away in the air, could be caught, man under it, Papya Karik, taken a nicely catch, and finally batsman Lakhan is out for duck. Samara in trouble now, end of the mandatory power play, they are 21 for the loss of 2 wickets. की समाप्ति कुल मिलाकर 21 रन बने और ऐसा नहीं है, मैच अभी भी बराबरी पे चल रहा है, 2 विकेटें जरूर गिरी है, 1 विकेट तो मंगेश का रहा था, यही देखते हुए सुरेश पारदी को लगाया गया है। सुमित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 पे खेल रहे हैं, नए बैट्समैन टीम के कैप्टन दिलीप पाटिल हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, इस ग्राउंड पे सबसे ज्यादा गोल्डन सिक्स लगाने वाले भी दिलीप पाटिल ही हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सुरेश पारदी, बहुत खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को, बहुत बढ़िया गेंद रही वहां पर सुरेश पारदी की। सुरेश पारदी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं दिलीप पाटिल, अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका, इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, एलिवेशन नहीं था, खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पे, कारण ये था कि बल्ले के मुंह को जल्दी खोल बैठे थे वहां पर बैट्समैन दिलीप पाटिल। 1 रन से स्कोर 22 रनों पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है, आप दूसरा क्वार्टर देख रहे हैं, चैलेंज स्पोर्ट सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। सुरेश पारदी
इस मरतबा गेंद लहराती हुई बल खाती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। कल से हम देख रहे हैं कि इस पूरी स्पर्धा में पारदी ने अपने पेस को कंट्रोल किया और वेरिएशन पे ज्यादा ध्यान रखा है। कल उन्होंने एक चाइनामैन भी की थी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। दोस्तों बाली ट्रॉफी का ड्रॉ रहेगा 24 तारीख को। आए दिन बाहर के क्रिकेट के दिन बाहर के आप देखने जा रहे हैं 4 से 15 फरवरी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा हेलीकॉप्टर शॉट है, गेंद हवा में, मंगेश उसके नीचे है और सुमित की बारी समाप्त। बीच में बहुत ही मशहूर गौरी फॉर्म सेंटर के प्रोपराइटर महबूब गौरी अपने फर्जंद के साथ तशरीफ ला चुके हैं, आप दोनों का इस्तकबाल है। नए बैट्समैन मैन ऑफ क्राइसिस अभि पाटिल बल्लेबाजी को जा रहे हैं। यहाँ से समायरा के लिए पार्टनरशिप का पनपना बहुत जरूरी हो गया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, अपने सामने ही पटक दिया लेकिन शॉट भी तो वैसा ही खेला है। कभी कभी ऐसा होता है, अपने ही सामने पटक दिया था पारदी ने। वो समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है, 23 रन। यहां से काफी रन चाहिए जीतने के लिए, साहिबा मोमिन बता रहे हैं 56 रनों की जरूरत है 3 ओवर में। सिर्फ फर्क है कि इस गाने में जबान कौन सी इस्तेमाल की जा रही है वो पता नहीं लग रहा है। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए दूर वाले छोर से गैसुद्दीन शेख बहुत अच्छा बदलाव कर रहे हैं सचिन गायकोट अपने गेंदबाजों में। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे साथी कमेंटेटर, और वो कमेंटेटर जिसने सिटी क्रिकेट में मेरा सबसे ज़्यादा साथ निभाया है और आगे भी निभाने जा रहे हैं, कमेंटेटर संदेश पाटिल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। गैसुद्दीन शेख टॉपेज और बच गए वहाँ पर, ये स्लो बाउंसर जो लाया है टेनिस क्रिकेट में वो गैसुद्दीन शेख ने लाया। आजकल बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदेश पाटिल आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिर से बाउंसर गेंद, हुक कर दिया गेंद को, देखना है डीप में खिलाड़ी मौजूद। 1 for the over का अब इशारा करते हुए अंपायर रमीज रईस, आप एक बाउंसर कर चुके हैं। गैसुद्दीन शेख सामने की ओर से आते हुए, इस मरतबा स्वीप करने की कोशिश, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट। सिद्धांत पाटिल गोवे ने इस वक्त गैसुद्दीन शेख और महेंद्र स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है।
राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए। इस मरतबा बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी, जगह से ही खेले थे वहां पे अभी पाटिल। क्रिकेट के रंग महेंद्र स्पोर्ट्स के संग आप देखने जा रहे हैं 12 से 19 फरवरी। पहले ओल्डी गोल्डी क्रिकेट रहेगा जब बाली ट्रॉफी रनिंग रहेंगी। इस मरतबा ज्यादा कुछ मोमेंट था वहां पर, वाइड घोषित के अंपायर रमीज रईस ने नो बॉल सेकेंड बाउंसर था, यही लेग अंपायर का इंस्ट्रक्शन है नो बॉल फ्री दिया जाएगा। पहले एक की वार्निंग दे चुके थे और बकोल लेग अंपायर फारूक बर्डी के कि ये दूसरा बाउंसर है, फ्री दिया गया वहां पर। राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए गैसुद्दीन। स्मरतबा पूना बुल्डाना शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, गेंद गई लॉन्ग ऑफ पे। जल्दी खेल बैठे थे अपने शॉट को अभी पाटिल। स्कोर 27 रनों पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे, 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अच्छी गेंद शार्प इन कटर, क्या मोमेंट मिल रहा है वहां पर और क्या गेंद टप्पा खाने के बाद काटा बदल ले रही। ये देखिए कितना मोमेंट था, टर्न एंड बाउंस, कहां से गेंद अंदर आई थी। कमाल के खिलाड़ी हैं गैसुद्दीन शेख। इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद फ्लिक करना चाहते थे, बीट हो गए। रन बनाना बहुत कठिन हो रहा है समायरा को। स्कोर 28 रन। इस मरतबा डाउन द ग्राउंड खेला है, फील्डर मौजूद हैं क्योंकि लॉन्ग ऑन बहुत ही सीधा रखा गया था, स्ट्रेटरिश लॉन्ग ऑन था, एक रन बनता हुआ स्कोर में। पपिया खारिक को कार्योली से साहिल पाटिल महेश भोला ने ऑल द बेस्ट कहा है, साथ ही साथ महेंद्रा स्पोर्ट्स को। चार ओवर कुल मिलाकर रन बने 29, दो ओवर में 50 रन चाहिए, जबकि बाहुबली बैट्समैन सोमनाथ पाटिल ने महेंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। एसपी दापोटे के लिए खेलते हैं। खेल की जब शुरुआत होंगी तो माइक्रोफोन पर रहेंगे मजहर खान। थैंक यू बाबी सर। तो कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रही इस वक्त समय रहे स्पोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अंसारी साहब आपकी कॉम्प्लीमेंट के लिए, कमेंट्री के लिए। पहली गेंद वहां पर सुरेश पारदे की बाहर की जानिब काटा था इस गेंद को, अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है। इसके बाद सोना देवी ने टॉस जीता है फील्डिंग करने का, उसके बाद क्लैश ऑफ टाइटंस सबसे बड़ा मुकाबला आरडी बनाम पाइनियर। और इस बार लंबा हिट लेना चाहते थे, देखना है टॉपेज लगाए। और दिलीप पाटिल की पारी भी अब समाप्त होती हुई, एक और विकेट गिरता हुआ। अगले बल्लेबाज मयूर आए बल्लेबाजी के लिए, 10 गेंदें बची और रन यहां से चाहिए 50। बाबी सर अगर इस मुकाबले को जीतती है महिंद्रा स्पोर्ट्स तो चैलेंज से सेमीफाइनल खेलेंगी, और इसके पहले
फेमस ट्रॉफी में ये दोनों टीमें टकराई थी, वो भी सेमीफाइनल ही था। इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही वहाँ पर, और ऑन साइड में ढकेल दिया था अभी पाटिल ने इस गेंद को, उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन आए इस गेंद पर। शायद अंसारी और निसार ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा इस पूरे ट्रॉफी को ना भूलने वाला शो बनाने के लिए। हमारे तमाम स्पॉन्सर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस बार चेंज ऑफ पेस किया था वहां पर श्रेष पारदी ने, पढ़ नहीं पाए थे अभी पाटिल इस गेंद को। भिवंडी रत्न और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट शुएब खान गुड्डू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट प्राइज के लिए पांडुरंग धर्मा पाटिल, ओम साई वाड़ाई संगठना के अध्यक्ष, आपका विशेष आभार। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, नीचे बैकलिफ से इस गेंद को खेला, ऑन साइड में मोड़ दिया था, देखना है वहां पर पंकज मौजूद है और उसी बीच एक रन आएगा इस गेंद पर। फर्स्ट प्राइज जॉइंट के लिए सादिक मिल्क सेंटर के मोहतरम सादिक भाई, आपका खुसूसी शुक्रिया। सेकंड प्राइज के लिए ग्रामीण संगठना के अध्यक्ष योगेश भैर जी, आपका विशेष आभार। तमाम सिटी क्रिकेट के ट्रॉफीज के लिए नगर सेवक हाशिम नोमान खान, आपका खुसूसी शुक्रिया। और इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, लंबा हिट लगाना चाहते थे वहां पर मयूर इस गेंद पर, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आए, देखने वहां पर पप्पा खारिंग मौजूद थे। जूनियर ट्रॉफीज स्पॉन्सर उजैर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गिफ्ट एम्पर स्पॉन्सर अमान टूर्स एंड ट्रेवल्स के गुलाम साबिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैन ऑफ द सीरीज के लिए शकील कबाटवाला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस टूर्नामेंट में तन मन धन से सेवा करने वाले, मदद देने वाले अल्ताफ बाली सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश पाटिल जी, आपका अनेक अनेक धन्यवाद। छगन पाटिल जी, आपका विशेष आभार। सुरेश तावड़े जी माजी खासदार, आपका विशेष आभार। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के डैशिंग अध्यक्ष दयानंद चोड़के जी, आपका विशेष आभार। और स्टेज के लिए रयान मोमिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोगों की कॉर्पोरेट से ही अंजुमन ट्रॉफी ना भूलने वाला क्रिकेट ट्रॉफी बन गया। तो लास्ट ओवर लेकर आते हुए बाला, पहली गेंद बाला की, ने पैरों को आगे निकालकर उसे ऑन साइड में मोड़ दिया है मयूर ने। एक रन आएगा इस गेंद पर, स्कोर इस एक रन की मदद से 34 रन पर। मोहन पाटिल और तुषार कोहली ने सुरेश पारदी को ऑल द बेस्ट कहा है। चरण पाटिल और मनोज मात्रे ओली ने महेंद्रा को ऑल द बेस्ट कहा है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर बाला की, 79 रन को जो लक्ष्य था कहीं ना कहीं उसको पार करने में नाकामयाब साबित हुई। इस वक्त समारा स्पोर्ट्स और महेंद्रा ने इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी बनाया है भाभी सर। ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि 5 स्पर्धा का फाइनल खेलिए, महेंद्रा एक को जीता है, एक की ज्वाइंट विजेता है और 3 की रनर्स है। संतोष तरे ने महेंद्रा स्पोर्ट्स, गैसुद्दीन शेख, हरी जोशी और बाला तरे को ऑल द बेस्ट कहा है। इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश, देखना है फाइनल की जानिब ढकेल दिया गेंद को, वहां पर मंगेश मौजूद है और उसी बीच एक रन आएगा। कल सुपर फ्राइडे में जुमा बाद पहले जूनियर का फाइनल रहेगा, उसके बाद सिटी क्रिकेट का, वहां से हम आपको सिटी क्रिकेट में मिलेंगे पांडुरंग धर्मा पाटिल के शो धनेश कप में। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उसको मिस कर बैठे बल्लेबाज। तारीख रहेंगी 21, 22, 23 जनवरी, 24 से पहला डे नाइट शो जिस दिन ड्रॉ रहेगा बाली ट्रॉफी का, आए दिन बाहर के। और इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश, देखना है वहां पर विशाल मौजूद है। तो मयूर की पारी भी अब समाप्त होती हुई, 26 जनवरी को सौराज्य,
26 जनवरी को सौराज चषक का मेगा फिनाले देर रात रहेगा और वहां से हम लौटेंगे सीधा एसके ट्रॉफी सापे में संतोष सुतार की देन। 3 तारीख को उसका मेगा फिनाले रहेगा और 4 तारीख की शाम को हिंदुस्तान का मायाना शो बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट बाली ट्रॉफी की शुरुआत हो जाएगी। 15 को उसका मेगा फिनाले रहेगा 12 से क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग। इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश वहां पर रवि पाटिल से, लेकिन वहां पर सागर तरे मौजूद है डीप में और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया और सेमीफाइनल में पहुंचती हुई महिंद्रा स्पोर्ट्स टकराएंगी चैलेंज स्पोर्ट्स से। कॉन्ग्रेचुलेशन महिंद्रा स्पोर्ट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल स्पेशली रेस्पेक्टेड एमएलए रुपेश मात्रे द लॉयन ऑफ भिवंडी एंड कॉर्पोरेटर संजय मात्रे द कैप्टन सचिन गायकॉट एंड ऑल टीम लाइक गैसुद्दीन शेख पपिया खारिक विशाल पाटिल बाला तरे कलीम सुरेश पारदी मंगेश हरी जोशी एंड ऑल टीम। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और वो है कल्पेश बबलू। अच्छे समय में फॉर्म में आए क्योंकि आए दिन बाहर के, क्रिकेट के दिन अब बाहर के शुरू हो चुके हैं। आइए कल्पेश बबलू, हम आपको मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। आज एक इनाम और बढ़ गया है। जीत की शुरुआत जिल्लू भाई के मिठाई के साथ, दो इनाम बढ़ गए। आइए सबसे पहले नूरुलाइन शेख साहब से मैं कहूंगा कि हाजी नुमान खान और कॉर्पोरेटर हाशिम खान की तरफ से दी जाने वाली ये खूबसूरत ट्रॉफी आपको देना है। नूरुलाइन शेख, ये गिफ्ट एम्पर महबूब गौरी के फर्जन देते हुए स्पॉन्सर किया है गुलाम साबिर ने। ये बेल्ट दिया जा रहा है, राहिल जी ने हमें स्पॉन्सर किया है महबूब गौरी देते हुए। और जीत की शुरुआत जिल्लू भाई और अयूब भाई की मिठाई के साथ। नवाब खान भी हमसे जुड़ चुके हैं, शायद कंप्यूटर वाला ने इस जीत के लिए मुबारकबाद दी है महिंद्रा स्पोर्ट को। हुजैफा उज्जू ने भी महिंद्रा स्पोर्ट्स को मुबारकबाद दी है।